चलो दोस्तों शुरू करते हैं विचित्र खोपड़ी। ये पढ़ने से पहले इसका पहला भाग चमत्कारी सेब जरूर पढ़े या सुने, तभी ये आपको अच्छी लगेगी। ये पहले भाग की स्टोरी भी है इसमें, वो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलो फिर आगे शुरू करते हैं। राजकुमार सुदर्शन कारागार से अपनी माँ की मृतदेह को लेकर गुप्त मार्ग के द्वारा एक वन में निकला। वही दरिया के किनारे उसने माँ का अंतिम संस्कार किया। माँ तेरी सकाल मृत्यु की कीमत माधो सिंह को अवश्य चुकानी होगी एक दिन। उसके बाद वह निर्दोष ही एक और बढ़ चला। वो यह कैसी भाग्य विडंबना है, कल तक मैं महलों का राजकुमार था और आज दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, और उधर पिताजी इस खतरे से अनजान न जाने कहाँ है। उधर पश्चिम दिशा में स्थित जादूगर भूटान भाटा के महल में, हे महान तेलिया मसान मुझे रूपनगर पहुंचा। फिर भूटान भाटा रूपनगर की ओर उड़ चला। कुछ ही देर बाद खोपड़ी उसे लेकर रूपनगर के राजमहल में प्रविष्ट हो गई। कौन हो तुम, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। मैं हूं महाबली महान जादूगर भूटान भाटा, मैं राजकुमारी शीतल को अपने साथ ले जाने आया हूं। खामोश गुस्ताख, सैनिक को गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट को। सैनिक तलवारें खींचकर भूटान भाटा की तरफ लपके, लेकिन हे महान तेलिया मसान भस्म कर दो इनको। और आ आए और अब उन सैनिकों के स्थान पर केवल राख बाकी रह गई थी। नहीं, हाँ हाँ देखा राजा निर्मल सिंह, तुम हमारी शक्ति को अब तुम पछताओगे। मैं पश्चिमा सुर की हत्या के बदले तुम्हारी पुत्री उठाकर ले जाऊंगा। हा हा। फिर भूटान भाटा खोपड़ी पर बैठा और खोपड़ी उड़ने लगी। हाँ हाँ चलो राजकुमारी, अब हमारे महल में रहना, हमारी रानी बनकर। हाँ आ नीच, हम तुझे मजा चखाते हैं इस गुस्ताखी का। हा हा, हे महान तेलिया मसान अदृश्य हो जा। और इसके साथ ही जादूगर भूटान भाटा खोपड़ी से अदृश्य हो गया। कहाँ गया कमखत सामने आ। फिर अचानक, आप पिताजी बचाइए, हाय क्या हुआ। और सबके देखते देखते राजकुमारी भी अदृश्य हो गई। बेटी तुम कहाँ हो शीतल। अरे राजकुमारी कहाँ गायब हो गई। पिताजी मुझे बचाइए, इस दुष्ट ने मुझे खोपड़ी पर बिठाया हुआ है। हा हा, ये अब कुछ नहीं कर सकते राजकुमारी, अब तुम हमारी हो। फिर भूटान भाटा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मंत्र फूका, हे महान तेलिया मसान इन पर सोले बरसा। ही ही। हा हा मरा बचाओ। हा हा मेरा नाम है भूटान भाटा। इस तरह तबाही मचाता जादूगर वहां से कुछ कर गया। हाँ हमने अपना सब कुछ खो दिया। धीरज रखिए राजन, हम राजकुमारी को ढूंढ निकालेंगे। इधर राजा धर्मवीर अपनी बाकी यात्रा जल्दी समाप्त कर रूपनगर की तरफ बढ़ रहे थे। अब जल्दी से चलकर निर्मल सिंह से राजकुमारी शीतल का विवाह सुदर्शन से करने का वचन मांगता हूँ। राजकुमारी से विवाह के बाद सुदर्शन की मृत्यु अवश्य ही टल जाएगी, क्योंकि महर्षि ने उसे 100 वर्ष तक सुहागिन रहने का वर दिया है। चलते चलते वह विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसके ऊपर दो मैना बैठी बातें कर रही थी। अरे तुझे पता है राजकुमारी शीतल को जादूगर भूटान भाटा उठाकर ले गया। अरे राजा निर्मल सिंह तो दुख में पागल से हो गए हैं। वो राजकुमारी को जादूगर उठाकर ले गया, फिर तो मैं पहले राजकुमारी को ही खोजूंगा। फिर राजा धर्मवीर राजकुमारी शीतल को खोजने निकल पड़े। जादूगर भूटान भाटा तो पश्चिम में कहीं रहता है, किंतु चलते चलते उन्हें रुक जाना पड़ा। वो यह कौन रो रहा है इस सुनसान वन में। वो हो थोड़ा आगे चलने पर वो तो यह वरदा रो रही है। वही राजा ने आगे बढ़कर उससे रोने का कारण पूछा। आप रो क्यों रही है माँ। बेटा मैं दुखियारी सुबह से इस वन में अपनी झोपड़ी तलाश कर रही हूँ, अंधी ठहरी रास्ता भटक गई हूँ। आओ माँ मैं तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी तक पहुंचा देता हूँ। कुछ ही दूरी पर धर्मवीर को झोपड़ी दिखाई दी। माँ तुम्हारी झोपड़ी के बाहर कुआ है ना। हाँ बेटा बिल्कुल वही है मेरी झोपड़ी। राजा धर्मवीर बुढ़िया को लेकर झोपड़ी में प्रविष्ट हुए। बेटा सफर से थके हुए आए हो, कुछ खा पी कर ही जाना। अच्छा माँ। बुढ़िया खाना बनाने के लिए दूसरे कमरे में घुस गई। मिठू मियाँ क्या हाल है। टे राजा धर्मवीर तोते की बात सुनकर चौंक गया। भद्रपुरुष यह बुढ़िया ढोंग कर रही है, यह एक डायन है, तुम्हें भोजन में दवा मिलाकर बेहोश कर देगी और फिर खा जाएगी। हैं
तभी बुढ़िया डायन वहां आ गई। है, यह आदमी तो पक्षियों की बोली जानता है। टेटे, अच्छा तो यह बात है, आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। अचानक बुढ़िया अपने असली रूप में राजा के सामने आ गई। हाँ हाँ तू क्या मुझे खत्म करेगा रे, दो पल बाद तो तू मेरे पेट में होगा। हाँ हाँ खा जाऊंगी। ठहर जा चुड़ैल, तूने अभी मेरे बाणों का सामना नहीं किया इसलिए ऐसा कह रही है। चुड़ैल ने हवा में हाथ घुमाया और उसके खाली हाथ में खड़ग आ गया। हा हा खट सर, हा हा अरे इस पर तो मेरे बाण को ये सर ही निकल रहे। बहुत देर तक ऐसे युद्ध चलता रहा। हे वीर पुरुष, इस चुड़ैल की जान इसके कानों में है, फौरन उन्हें काट दो। अच्छा मिठू मिया, राजा धर्मवीर ने चुड़ैल के कानों का निशाना लेकर बाण छोड़ दिए। वो मारा, हा टेटे। चुड़ैल ने मरते वक्त अपने भाई भूटान भाटा को याद किया। हा भूटान भाटा, फलस्वरूप वो मेरी बहन की करुण पुकार, लगता है वह मुसीबत में है। हे महान तेलिया मसान, मेरी बहन का हाल दिखा। लो मिठू मिया, इस चुड़ैल को तो मैंने मार दिया, अब तुम भी आजाद हो। तोता उठकर राजा के कंधे पर बैठ गया। टेटे क्या कहते हो, धन्यवाद। अरे वाह, हा हा। फिर राजा झोपड़ी से निकलकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। हे मित्र, तुम कहाँ जा रहे हो? यह एक बहुत लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसी बहाने रास्ता भी कट जाएगा। ओ तो यह वही शिकारी है जिसने पश्चिमासुर को मौत के घाट उतारा था, और अब मेरी बहन को भी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे महान तेलिया मसान की खोपड़ी, इसका सार करके आ। राजा ने तोते को अपनी सारी आपबीती सुना दी। और अपने बेटे की आयु 100 साल करने के लिए ही मैं राजकुमारी को आजाद कराने के लिए भूटान भाटा को ढूंढने जा रहा हूँ। ओ मित्र, काश मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। इसी तरह बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी, अरे मित्र यह क्या इतनी बड़ी खोपड़ी, यह तो हमारी तरफ ही आ रही है। हा हा, खोपड़ी ने मुंह खोला और एक बड़ी चट्टान उगल दी, लेकिन राजा के तीक्ष्ण बाण ने उसे चूर चूर कर दिया। धड़ाम, खोपड़ी ने फिर मुंह खोला, अब उसके मुंह से शोले निकल रहे थे, लेकिन राजा के बाणों ने उन्हें भी नाकामयाब कर दिया। मुझे इसे जल्दी समाप्त कर देना चाहिए, इसके लिए मुझे शस्त्र मुख चाल चलनी चाहिए। फिर अचानक वहां कई खोपड़ियां दिखाई देने लगी। अरे यह क्या इतनी खोपड़ियां कहां से आ गई? और फिर सब खोपड़ियों ने मिलकर एक साथ राजा पर विद्युत प्रहार किया। ओ आ, शीघ्र ही राजा खोपड़ियों के तीक्ष्ण प्रहारों से हार गया। हा हा तेलिया मसान की जीत हुई। और फिर वह वापस भूटान भाटा के पास चली गई। हा ओ मित्र यह क्या हो गया? ओ मिठू मिया, एक साधु ने मुझे पक्षियों की बोली समझने का वरदान दिया था और कहा था कि मेरे पास यह विदा होने की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस चुड़ैल को इसकी जानकारी हो गई, इसीलिए मेरी मृत्यु हो रही है। लेकिन मिठू मिया, तुम वादा करो कि मेरे बेटे को ढूंढकर उसे यह सब बताकर राजकुमारी शीतल से उसका विवाह कराने में सहायता करोगे। राजकुमार की शादी राजकुमारी से जरूर होगी, राजा चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। फिर राजा ने प्राण त्याग दिए। तोते ने लकड़ियां इकट्ठी करके उसकी चिता बना दी। फिर जैसे चमत्कार हुआ, चिता में आप ही अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ऐसा शायद राजा के तीर्थ के पुणों के प्रताप से हुआ था। इधर राजकुमार सुदर्शन दिन रात चलते चलते पश्चिम वन जा पहुंचा। वो थक गया हूं, कहीं विश्राम करना चाहिए। अरे यह वन में महल कैसा, चलू शायद अंदर आश्चर्य मिल जाए। राजकुमार महल में घुस गया। अरे इतना बड़ा और सुंदर महल, पर आश्चर्य यहाँ कोई भी नहीं। अचानक एक नारी स्वर सुनकर राजकुमार सुदर्शन चौंक गया। हे युवक सुनो, क्या कौन? मैं हूँ रूपनगर की राजकुमारी शीतल, पर तुम हो कहाँ? युवक मैं तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि इस महल के मालिक जादूगर भूटान भाटा ने अपने जादू के जोर से मुझे दर्शक करके कैद कर रखा है। जादूगर भूटान भाटा? हाँ यह उसी का जादुई महल है। वह दुष्ट मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है और मैं उसके जादू के कारण यहाँ से हिल भी नहीं सकती। लेकिन उसने आपको कैद क्यों और किस प्रकार कर रखा है?
लेकिन तुम यहां से चले जाओ युवक, क्योंकि जादूगर के आने का समय हो गया है। तुमको यहां देखकर वह दुष्ट तुम्हें मार देगा। आपको यहां उस दुष्ट के पास विवश छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। हे अच्छे युवक, तुम्हारा यहां से चले जाना ही ठीक है, क्योंकि उस जादूगर के जिंदा रहते तुम कुछ नहीं कर सकते और उसे मारना असंभव है। पर क्यों, वह भगवान तो नहीं है ना? भगवान तो नहीं, पर वह कई जादुई शक्तियों का मालिक है। फिर भी उसकी मौत का कोई तो उपाय होगा ही। वह तो मैं नहीं जानती, पर यह सत्य है कि जागते हुए जादूगर के गले में जब तक उसकी माला है, तब तक दुनिया में कोई उसे छू भी नहीं सकता। यदि रात में सोते हुए जादूगर के गले से उसकी माला उतार कर उसे मार डालूं तो यह भी नहीं हो सकता। क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो वह जादूगर महीने में 15 दिन ही सोता है, और दूसरे वह अपने जिस कमरे में सोता है वही वह अपनी जादुई माला गले से उतार कर खूंटी पर टांग देता है, तब तो उसे बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। नहीं, जादूगर के सोते ही उसकी अदृश्य शक्तियां उसकी और उसकी माला की रक्षा करने लगती हैं, और यदि ऐसे में कोई उनकी तरफ हाथ बढ़ाए तो वे उसे जलाकर राख कर देती हैं। ठीक है राजकुमारी जी, फिलहाल मैं यहां से जा रहा हूं, पर जाने से पहले एक सवाल और। वह जादूगर अभी कितने दिन और जागेगा? सिर्फ 3 दिन, उसके बाद वह लगातार 15 दिन तक सोएगा। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूं, पर शीघ्र ही आपको छुड़वाने आऊंगा। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिखती, पर राजकुमार राजकुमारी की बात अनसुनी करता हुआ वहां से निकल गया। राजकुमार जंगल में पहुंचकर सोचने लगा, हे प्रभु, कैसे मैं राजकुमारी को उस दुष्ट जादूगर की कैद से छुड़ाऊं? अचानक उसके दिमाग में एक विचार घूमा, वो मारा पापड़ वाले ने, पर इस योजना को कार्य रूप देने के लिए मुझे किसी नगर में जाना होगा। और फिर राजकुमार नगर की ओर चल पड़ा। और ठीक चौथे दिन राजकुमार सुदर्शन फिर जादूगर के महल पहुंचा। अरे युवक, तुम फिर यहां? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको जादूगर की कैद से छुड़ाने जरूर आऊंगा। पर युवक, जादूगर को समाप्त किए बिना यह संभव नहीं, और जादूगर को मारना असंभव है। यह बात छोड़िए राजकुमारी जी, यह बताइए कि क्या जादूगर अपने कमरे में थोड़ी बहुत आहट सुनकर जाग सकता है? नहीं युवक, 15 दिनों से पहले वह हरगिज नहीं उठता। बस राजकुमारी जी, अब आप ठीक 15वें दिन जादूगर के जागते ही अपने को आजाद पाएंगी। फिर राजकुमार जादूगर के कमरे की तरफ बढ़ गया। हूं तो यह है इसकी जादुई शक्ति, खुर। राजकुमार थोड़ी देर तक उस कमरे का निरीक्षण करता रहा, खुर, और फिर वह बाहर निकल गया और जंगल में एक जगह एकत्रित किए हुए पत्थर ढोकर महल में पहुंचाने लगा। कुछ ही देर में उसने सब पत्थर ढोकर कमरे में इकट्ठे कर दिए और मसाला बनाने लगा। फिर उसने खूंटी वाली दीवार के आगे एक दीवार बनानी शुरू शुरू कर दी। 3 दिनों के अथक परिश्रम के बाद पूरी दीवार बनकर तैयार हो गई। अब मुझे इस दीवार पर भी उसी जगह खूंटी गाड़ देनी चाहिए जहां पहली दीवार में थी। और उसके बाद राजकुमार ने उस दीवार पर वैसा ही रंग कर दिया जैसा पिछली दीवार पर था, खर। फिर उसने सारे फर्श की धुलाई की और अपने इस कार्य से संतुष्ट होकर वह जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल पहुंचकर उसने कई सिंहों की मांदों से मनुष्यों की खोपड़ियां एकत्रित की। तीसरे दिन वह हाथ में नरमुंडों की एक माला लिए जादूगर के महल पहुंचा। अरे युवक, यह क्या? यह तो नहीं राजकुमारी, यह उस जादूगर की माला नहीं, यह तो उसकी नकल है। फिर जादूगर के कमरे में पहुंचकर उसने माला खूंटी पर टांग दी। अब मुझे जादूगर के जागने तक बाहर ही इंतजार करना चाहिए। ठीक 15वें दिन जादूगर सोकर उठा। मैं आज राजकुमारी शीतल से विवाह कर ही लूंगा, उसकी मर्जी से नहीं तो अपने जादू के जोर पर। पलंग से उठकर उसने खूंटी पर टंगी माला उतार कर अपने गले में डाली और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही जादूगर अपने कमरे से बाहर निकला, दीवार की ओट में खड़े राजकुमार ने जल्दी से उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अरे तू कौन है? तेरी मौत क्या? और तूने मेरा कमरा क्या? और तूने मेरा कमरा क्यों बंद किया जिससे तू इस कमरे में न जा सके, मूर्ख? हाँ, तेरे कमरा बंद कर देने से मैं इस कमरे में न जा सकूंगा?
दोस्त जादूगर हसले जितना हंसना है, क्योंकि आज तेरी जिंदगी का यह अंतिम दिन है। तू मुझे मारेगा, हूं बच्चे, मौत तो तेरी यहां तुझे घसीट कर लाई है, पर मरने से पहले मेरी शक्ति का यह छोटा सा नमूना देख। अच्छा दिखा तो सही, उल्टी खोपड़ी तेलिया मशान, दरवाजा खोल दे तू। देखा खुल गया ना दरवाजा? अरे मूर्ख जादूगर, तू खुद देख दरवाजा खुल गया या बंद है। है ये क्या संभव? मेरे गले में इस माला के रहते मेरा मंत्र निष्फल नहीं हो सकता। हा हा हो हो, बेवकूफ जादूगर, ये माला नकली है। क्या मतलब? मतलब साफ है जादूगर, जिस माला के बल पर तू शैतान बना है उसे मैंने इससे बदल दिया है। यह असंभव है। फिर राजकुमार ने उसे सारी घटना सुना दी। हो ठहर दुष्ट, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूं। हे बहादुर युवक, इस जादूगर की किसी भी हालत में इस जादूगर को किसी भी हालत में उस कमरे तक मत पहुंचने देना। मैं समझता हूं राजकुमारी। और अगले ही पल खचाक, आ मैं मरा। जादूगर के मरते राजकुमारी सदृश हो गई। वो कितनी सुंदर है राजकुमारी। तभी पूरे महल में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। हु हो हो हे हे, अरे यह क्या? ऊ लगता यह भूत प्रेतों का चक्कर है। हो हो किर, कौन है यहाँ? सामने आओ, मैं हूं तेलिया मशान की आत्मा। मुझे तुमने दीवार के पीछे कैद कर दिया है, मुझे मुक्त कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, वरना मेरी आत्मा यही भटकती रह जाएगी। लेकिन आजाद होकर तुम फिर लोगों को परेशान करोगी। नहीं भले आदमी, मैं तो उस माला के धारक के गुलाम हूं। तुम दीवार के पीछे से वह माला निकाल कर गले में डाल लो, फिर मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगी। ठीक है तो मैं दीवार तोड़ता हूँ। खटखट। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। हाँ यह आवाज कहाँ से आई? यह मैं बोल रहा हूँ युवक, इस माला को पहनकर तुम जो मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो पहले हमें रूपनगर पहुंचा दो। ठीक, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए। राजकुमार सुदर्शन और राजकुमारी शीतल के बैठते ही खोपड़ी जादूगर के महल से निकलकर रूपनगर की तरफ उड़ चली। इधर मिठू तोता नगर नगर जंगल जंगल राजकुमार सुदर्शन को ढूंढता फिर रहा था। जाने कब और कहां मिलेगा राजकुमार सुदर्शन। अपने पीछे से आते खतरे से लापरवाह, आज इस तोते को खाऊंगा। फिर अचानक गिद्ध ने झपट्टा मारा। आ टे टे, आहा अब मैं तुझे खाऊंगा। मुझे छोड़ दो भाई, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। गिद्ध के पंजों में फंसे बेबस तोते को उधर से गुजरते राजकुमार सुदर्शन ने देखा तो, हे तेलिया मशान की खोपड़ी, क्या तुम इस तोते को इस गिद्ध के चंगुल से निकाल सकती हो? क्यों नहीं मेरे आका, अभी लो। खोपड़ी की मार से गिद्ध तोते को छोड़कर भागा। जख्मी तोता नीचे महात्मा सिद्धनाथ जी के आश्रम में गिरा। है तुम्हें किसने घाल किया प्यारे तोते? मुनिवर, मुझे गिद्ध ने पकड़ लिया था। महात्मा सिद्धनाथ अपनी योग विद्या द्वारा पक्षियों की बोली समझने में सक्षम थे। हे तेलिया मशान की खोपड़ी, हमें नीचे ले चलो, हम तोते को देखना चाहते हैं, कहीं वह घायल तो नहीं हो गया। जब सुदर्शन और शीतल को लेकर खोपड़ी नीचे उतरी, महात्मा जी तोते का उपचार कर रहे थे। महात्मा ने इस तोते को गिद्ध के चंगुल से हमने बचाया है, इसे आप हमें दे दे। अच्छा वत्स, लेकिन तुम हो कौन? महात्मन, मैं सुंदरनगर के राजा धर्मवीर का पुत्र हूँ। तुम राजा धर्मवीर के पुत्र हो? तभी तोता जो सुदर्शन को पहचान गया था बोला, हे मुनिवर, मैं इन्हीं की तलाश में भटक रहा था। मुझे इनके पिता ने, तोते ने, महात्मा जी को राजा धर्मवीर की सारी कहानी सुनाते हुए उनकी मृत्यु की सूचना भी दे दी। महात्मा जी ने जब यह समाचार सुदर्शन को सुनाया तो वह शोकाकुल हो विलाप करने लगा। ओ पिताजी, माँ के बाद आप भी मुझे अकेला छोड़कर चल दिए। फिर महात्मा ने समझा बुझाकर उसे ढाढ़स बंधाया और उसे उसके जन्म का वृत्तांत और उसकी आयु बढ़ाने का तरीका बता दिया। इस प्रकार अगर तुम राजकुमारी शीतल से विवाह कर लोगे तो तुम्हारी आयु 20 से 100 वर्ष हो जाएगी। हे मुनिवर, अब हमें आज्ञा दे, मुझे राजकुमारी को इनके देश छोड़ना है। फिर वे खोपड़ी पर बैठकर रूपनगर की तरफ उड़ चले। राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राजकुमार। कुछ ही देर में वे रूपनगर के राजमहल में उतरे। राजकुमारी आ गई। ओ बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? पिताजी।
फिर राजकुमारी ने अपने पिता राजा निर्मल सिंह को राजकुमार सुदर्शन के बारे में बताया। पिताजी, आपने वन में जिस वीर को एक वचन दिया था वे राजा धर्मवीर थे, इनके पिता, और सुंदर नगर के राजा। उन्होंने मेरी उम्र एवं अखंड सौभाग्यवती होने का वर इसलिए मांगा था क्योंकि वे चाहते थे कि उनके पुत्र का विवाह मुझसे हो जाए ताकि उसकी उम्र भी मेरे बराबर हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वे आपसे वचन मांगते, जादूगर भूटान भाटा ने उन्हें मार दिया। राजा निर्मल सिंह ने अपने वचन की खातिर राजकुमार सुदर्शन एवं राजकुमारी शीतल का विवाह करवा दिया। ओम भूर्स्व। फिर एक दिन राजकुमार सुदर्शन ने रूपनगर की सेना लेकर सुंदर नगर पर आक्रमण कर दिया। हाय मरा सर। वह जल्द ही महामंत्री माधव सिंह को मौत के घाट उतारकर राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा सुदर्शन की जय हो। राजा सुदर्शन जिंदाबाद। महर्षि के वरदान के फलस्वरूप राजा सुदर्शन और रानी शीतल ने सुंदर नगर पर 100 साल तक राज किया। महारानी की जय हो। राजा सुदर्शन जिंदाबाद। राजा निर्मल सिंह ने सुदर्शन का राज तिलक किया और फिर वे रूपनगर के लिए रवाना हो गए। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना।